नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छठ पूजा के अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को दी बधाई। वहीं मुख्यमंत्री ने हमने प्रदेश में निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन भी तालाबों, नदी, पोखर के किनारे छठ मैया की पूजा हो रही हो, वहाँ प्रशासन चिंता करे। परंपरागत स्थानों के अलावा भी जहाँ पूजन होगी उसकी भी चिंता करेंगे। छठ मैया के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। खास करके बहने और सुहागन बहने अपने सुहाग की उम्र लंबी मिले, कोई कष्ट नहीं आए, परिवार में सुख समृद्धि और आनंद का वास हो, इस निमित्त चार दिन तक ये जो त्योहार में डूबती है, भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य अर्पण करने के बाद पानी, थोड़ा सा अल्पाहार, उसके बाद ही ग्रहण करती है। ये हमारी संस्कृति भी अद्भुत है। बहनें अपने जीवन को कष्ट में डालकर अपने पति के सुहाग की लंबी आयु के लिए कितनी कठिन साधना करती है, लेकिन इसमें भी सुख छिपा है, भगवान का आशीर्वाद है। सनातन संस्कृति इसी प्रकार से बढ़ती है। जगह जगह अभी माहौल बना हुआ है, हमने पूरे प्रदेश में निर्देश जारी किए कि हर तालाब, नदी, पोखर के किनारे अगर छठ मैया की पूजन होती तो प्रॉपर उसकी चिंता करें। हमारे परंपरागत स्थान जहाँ होती है वहाँ तो व्यवस्था रहेगी, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ भी हम व्यवस्था बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से छठ मैया के पावन पर्व की आप सबके माध्यम से सबको बधाई। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।